हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल रिक एकेडमी पर। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने कि कौन सी ग्रंथि का कार्य कैल्शियम और फास्फेट का संतुलन बनाए रखना है। आपके ऑप्शन है ऑटो ग्रंथि, पराऑटो ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। जो हार्मोन्स जो बहता है ऑटो ग्रंथि में वो थायरोक्सिन है। पराऑटो ग्रंथि में जो हार्मोन स्रावित होता है उसे हम लोग कैल्सीटोनिन कहते हैं, ठीक है। और ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सो नंबर टू इज द राइट आंसर, पराऑटो ग्रंथि। ओके चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर दो, अमीबा का उत्सर्जन होता है। आपके ऑप्शन है वृक्क, संकुचनशील रिक्तिका अथवा धानी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा का उत्सर्जन जो है वो होता है नंबर टू, संकुचनशील रिक्तिका अथवा धानी में। चलिए नंबर थ्री है, सवाल नंबर थ्री, केचुए में उत्सर्जन होता है वृक्क, संकुचनशील रिक्तिका अथवा धानी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो केचुए में जो उत्सर्जन होता है वो वृक्क के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर फोर, किसी टॉर्च के बल्ब पर 2.5 वोल्ट और 5 एम्पियर अंकित है, तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो पी इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं पी इज इक्वल टू होता है आई इंटू वी, ठीक है। तो आई हमको मालूम है 5 एम्पियर और वोल्ट हमको मालूम है 2.5 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 आ गया, पॉइंट बैठा देना तो 12.5 वोल्ट, ठीक है। तो पावर यानी शक्ति, विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वाट में होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। सवाल बहुत पूछा जाता है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट, ठीक है। कभी कभी कन्फ्यूजन में लोग वोल्ट भी मार के आ जाते हैं, तो 12.5 जो वाट है वो सही उत्तर है। बीपीएससी का फेवरेट सवाल है, पावर की मात्रा क्या है, पावर की मात्रा क्या है। किसी विद्युत हीटर का प्रतिरोध 50 ओम है, तो 220 वोल्ट की मेन से उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, ओम यानी रेसिस्टेंट गिवन है, 50 ओम दिया हुआ है, उसके बाद वी दिया हुआ है 220 वोल्ट, हमें आई निकालना है विद्युत धारा। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, ठीक है, फॉर्मूला। तो आप रट लीजिए सब फार्मूला, सिंपल सा है, सो कट कुट कर लीजिए और जो आएगा वही आंसर, 5 4 20 5 4 20, यानी ऑप्शन टू इज़ द राइट आंसर, 4.4 ओम। चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर सिक्स है कि पानी में चलती हुई एक मछली की आभासी गहराई 2 मीटर है, उसकी वास्तविक गहराई निकाले। पानी का अपवर्तनांक जो है वो दिया हुआ है 4/3, ठीक है। अच्छा ये अपवर्तनांक का साइन आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, म्यू। तो यहाँ वास्तविक गहराई जो म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाय आभासी गहराई। तो पानी में जो आपका दिया हुआ है आभासी गहराई दिया हुआ है 2 मीटर है, ठीक है, वास्तविक गहराई नहीं मालूम है, और पानी का जो अपवर्तनांक है वो दिया हुआ है 4/3। तो 4/3 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, वास्तविक गहराई नहीं मालूम है, एक्स मान लेते हैं, और आभासी गहराई दिया हुआ है मेरा 2 मीटर, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 8/3 आ गया, एक्स इज इक्वल टू, यही मेरा आंसर हो गया, वास्तविक गहराई जो है यही आंसर मीटर में, ठीक है। तो यही हो गया मेरा आंसर, 8/3। सवाल नंबर सात, अमोनिया से कौन सा संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है हावर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, उसके बाद नंबर टू है या वायु से हल्की गैस होती है, नंबर थ्री है अमोनिया एक रंगीन गैस है, या फिर नंबर फोर इसकी तीखी गंध होती है। तो फ्रेंड्स सही उत्तर क्या है सूची, देखिए हार्बर प्रक्रम द्वारा जो अमोनिया का उत्पादन किया जाता है ये सही ऑप्शन है, नंबर टू जो है या वायु से हल्की गैस होती है, बिल्कुल ये भी सही है। अमोनिया एक रंगीन गैस है, बिल्कुल गलत, ये रंगीन गैस नहीं होती, ये रंगहीन गैस होती है, अमोनिया एक रंगहीन गैस है। चौथा जो है इसकी तीखी गंध होती है, बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन थ्री जो होगा वो नहीं होगा। सवाल नंबर आठ है कि रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है। डब्ल्यू बी सी वाइट ब्लड सेल, नंबर टू है तंत्रिका तंत्र, नंबर थ्री है यकृत, या नंबर फोर संपूर्ण शरीर यानी होल बॉडी। तो सही उत्तर जो है वो है नंबर टू, तंत्रिका तंत्र, रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। आरएनए, ठीक है, आरएनए का आविष्कारक कौन था। आपके ऑप्शन है जेम्स वाटसन, नंबर टू है आर्थर अर्ग, नंबर थ्री है दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा जो ऑप्शन है दोनों वही होगा, जेम्स वाटसन और आर्थर अर्ग, आरएनए का आविष्कारक दोनों है, ठीक है। सवाल नंबर दस, किस विटामिन का रासायनिक नाम नियोसिन है, B2, B3, B5 या B1। सही उत्तर है नंबर टू, B3। ओके विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन हो गया, इसका रासायनिक नाम B3 हो गया निकोटिनिमाइड, या फिर नियासिन, है ना, या नियासिन। B5 हो गया पेंटोथेनिक एसिड, और B1 जो हो गया वो थायमिन हो गया। चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 11, सेडल पिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। सेडल पिक जो नेशनल पार्क है वो सोचिए कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर है अंडमान व निकोबार।
अंडमान निकोबार का जो मुख्य नेशनल पार्क है वो मैंने एक वीडियो में बनाया है, मात्र एक मिनट का, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सा नेशनल पार्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। तो सेडल पिक नेशनल पार्क जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। नंबर 12, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? देखिए गिरना, ऐसे तो लग रहा है कि ये गुजरात से है, परंतु ये गुजरात से नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र में नासिक, ठीक है, जिले में गिरना सिंचाई परियोजना है। सवाल नंबर 13, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, महेंद्रगिरी, अनयमुदी, डोडाबेट्टा, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स सही उत्तर है नंबर 1, महेंद्रगिरी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1501 मीटर है, ईस्टर्न घाट में ये मौजूद है। ओके, सवाल नंबर 14, पूर्वी तट पर स्थित कौन सा लैगून है, पोलीकट, चिल्का, कोलेरू या सभी? तो ऑप्शन से आपको पता ही चल रहा होगा कि ये सारे के सारे लैगून जो हैं वो पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 15, तुजू दर्रा स्थित है, तो तुजू दर्रा स्थित है किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में, मणिपुर या फिर हिमाचल प्रदेश? तो फ्रेंड्स सही उत्तर है मणिपुर, ठीक है। देखिए दर्रा से रिलेटेड लूसेंट में जितने भी दिए हुए दर्रा सबको याद कर लीजिएगा, श्योर है कि इसमें से एक नए क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 16, जब बाज़ार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती है, उत्पादन व व्यापार भी गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, तो वह व्यवस्था क्या कहलाती है, मुद्रा संकुचन कहलाएगी, अवमूल्यन कहलाएगी या फ्लोटिंग ऑफ करेंसी या विमुद्रीकरण? तो फ्रेंड्स सही उत्तर है नंबर 1, ठीक है, मुद्रा संकुचन कहलाता है। जब बाज़ार में मुद्रा की कमी के कारण पैसों की कमी हो जाती है ना मार्केट में, तो उसमें क्या होता है, कीमतें जो होती हैं वो गिरने लगती हैं, ठीक है। जब कीमतें गिरती हैं तो उत्पादन और व्यापार ये भी गिर जाता है, और साथ में फिर क्या हो जाएगा, उत्पादन भी यानी प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगा तो बेरोजगारी दर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं मुद्रा संकुचन। चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 17, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, केन्स या मार्शल? तो सही उत्तर है आपका नंबर 4, मार्शल, ठीक है। मार्शल द्वारा ये बुक लिखा गया है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई 27 जून, 1 मई से 30 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है वो है आपका ऑप्शन 1, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। कृषि वर्ष जो है वो 1 जुलाई से 27 जून को मनाया जाता है, ये हो गया कृषि वर्ष, ठीक है दोस्तों, कृषि वर्ष। और वित्तीय वर्ष का ये हो जाएगा, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 19, 12वीं पंचवर्षीय योजना में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि लक्ष्य कितना था? आपके ऑप्शन है नंबर 1 4%, नंबर 2 है 9% या नंबर 3 10% या नंबर 4, इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आपका नंबर 3 10%। 10% जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि करने का लक्ष्य था, 4% जो था वो आपका कृषि हो गया, मत्स्य पालन, इसमें वृद्धि करने का लक्ष्य था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 20, इनमें से कौन सा गलत मिलान है? ऑप्शन में आपका देखिए यहाँ स्थानीय शीतल हवाएं दिया हुआ है, और वो किस स्थान की है, किस जगह की है वो, ठीक है, देश दिया हुआ। तो विलीवाओ अलास्का, क्या ये सही है? बुरान रूस, हबूब सूडान या विली अर्जेंटीना? तो जो गलत मिलान है वो है ऑप्शन 4, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की वो शीतल हवाएं। चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 21, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया? आपके ऑप्शन 1640, 1656, 1659 या 1664? तो सही उत्तर है 1656, ठीक है। अब हिस्ट्री का जो सवाल आ रहा है वो सिर्फ शिवाजी से ही रिलेटेड आएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से लेकर के बनाऊंगा, ठीक है। और उसी टॉपिक से, मतलब रंजीत सिंह से मैं सोच रहा हूँ इस बार वीडियो बना लूँ, तो रंजीत सिंह से जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारा जो सवाल होगा वो रंजीत सिंह से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। उसमें आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, देखिएगा कितना आप लोग से सही होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का वो रंजीत सिंह से रहेगा। चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 22, महाराणा जयसिंह और शिवाजी के मध्य कौन सी संधि संपन्न हुई थी? सूरत की संधि 1775, नागपुर की संधि 1816, पुरंदर की संधि 1665 या सालावे की संधि 1782? देखिए दोस्तों, अगर आप शिवाजी के बारे में जान रहे हैं कि जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो स्वाभाविक से बात है कि आप सही उत्तर मान लीजिए, क्योंकि एक ही इसमें ऑप्शन है, ठीक है, जो सही है। देखिए 1680 में इनका मृत्यु हो गया था शिवाजी का, आप समझ सकते हैं कि आंसर आप कौन सा होगा, 1680 में इनका डेथ हो गया था। तो सही उत्तर क्या होगा फिर, नंबर 3, पुरंदर की संधि 1665, क्योंकि उसके बाद वाले जितनी भी संधियां हैं वो तो शिवाजी के समय तो हो ही नहीं सकती, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 23, कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। नंबर 2 है शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। नंबर 3 है सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। नंबर 4 है चिटनीस गुप्तचर विभाग था। तो जो ऑप्शन 4 है ये रॉन्ग है, ठीक है, बाकी 3 जो है वो करेक्ट है। चिटनीस जो गुप्तचर है वो विभाग नहीं था, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए चिटनीस जो था वो कौन सा विभाग था। चलिए सवाल नंबर 24, शिवाजी के समय कुल उपज का राजस्व बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 33%, 40%, 44%, 50%। देखिए राजस्व बढ़ा दिया गया शिवाजी के समय कुल उपज का, तो पहले जो था ना वो 33% था, उस राजस्व को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, फिर 40% कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 25, शिवाजी के समय काल में वह क्षेत्र जिसमें वे चौथ व सरदेशमुखी वसूल करते थे, आपके ऑप्शन है स्वराज, मुगतई, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए शिवाजी के समय काल में तो दो क्षेत्र थे आते थे, एक स्वराज हुआ करता था, एक मुगतई हुआ करता था। तो जो जो शिवाजी जो थे वैसे क्षेत्र जहाँ से वे चौथ और सरदेशमुखी वसूल किया करते थे वह था ऑप्शन 2, ठीक है, मुगतई। स्वराज उनका स्वतंत्र क्षेत्र था, ठीक है। सवाल नंबर 26, शिवाजी के काल में राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था का देखरेख कौन करता था? आपके ऑप्शन सुमंत, चिटनीस, अमात्य या पेशवा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, पेशवा। चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 27, शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को कब लूटा? ये मुगल व्यापारिक केंद्र था सूरत। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन में कब कैद किया? मई 1666, अगस्त 1666, अप्रैल 1666 या मार्च 1666। तो सही उत्तर है मई 1666 में, ठीक है, जयपुर भवन में औरंगजेब ने इन्हें कैद कर लिया था मई 1666। तो शिवाजी जो थे वो अगस्त 1666 में जयपुर भवन से भाग गए थे। सवाल नंबर 29, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? राजा राम, शिवाजी द्वितीय या साहू या संभाजी? तो सही उत्तर है नंबर 4, संभाजी। चलिए सवाल नंबर 30, सरदेशमुखी कितना प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार था? 5%, 8%, 10% या 15%? तो सही उत्तर है नंबर 3, 10%, ठीक है। सरदेशमुखी कितना प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार था? तो 10%। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों। चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।